चिल्ड्रेन, इन टुडेज सेशन एज इट इज वेरी क्लियर टू यू, वी विल बी डूइंग, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर छोटूस हाउस. दिस इज पार्ट वन ऑफ द सेशन. ऑन पेज नंबर 30 वी हैव अ कॉमिक स्टोरी. दैट कॉमिक स्टोरी आई विल डिस्कस विद यू नाउ. आई एम डिस्कसिंग दैट कॉमिक स्टोरी विद यू राइट नाउ. कैन यू सी दिस, कैन यू सी द टेक्स्ट बुक? इन द फर्स्ट पिक्चर छोटू कम्स टू मुंबई. He sees how the environment of Mumbai is. He is able to see big buildings, a big park, people walking on footpath. फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या होता है? There is a change in season. Now the rainy season comes. He doesn't have a home to stay, and he finds something plastic. उसे कुछ plastic मिलता है, and he covers himself. In the third picture, ये जो pipe यहाँ पे थी. ये जो पाइप यहाँ पर थी, उसी पाइप के अंदर वो अपनी उसी पाइप के अंदर जाके वो प्राची, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? यू आर कमिंग इन द मिडल ऑफ द क्लास एंड देन यू आर सेइंग गुड मॉर्निंग. इफ यू हैव टू विश द गुड मॉर्निंग इन द मिडल ऑफ द क्लास, यू हैव अ कॉमेंट सेक्शन टू रिप्लाई. फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू विल यूज द कॉमेंट सेक्शन इफ यू कम इन द मिडल ऑफ द क्लास. आप जो भी बोलना चाहते हो सब कुछ मुझे कमेंट पे दिखता है. आपको गुड मॉर्निंग बोल के क्लास को बीच में इस तरह से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. तो ही टेक शेल्टर इन द पाइप. उसके पास कुछ भी नहीं है इस वक्त. जो सामान वो लेके आया था उसी का पिल्लो बनाया और लेट गया. इन द फोर्थ पिक्चर यू कैन सी चिल्ड्रेन कि उसने कुछ कुछ आइटम्स जो है इधर उधर से अरेंज कर लिए हैं. अब इनसाइड द पाइप यू आर एबल टू सी अ मैट, अ पिल्लो. उसने एक रोप बांधी है जिसके ऊपर वो कपड़े सुखाता है. देयर इज अ ड्रम एंड दैट ड्रम विल बी यूज्ड फॉर कंटेनिंग वाटर. एंड ही इज आल्सो यूजिंग, ही हैज मेड अ चूल्हा विद द ब्रिक्स एंड ही इज कुकिंग द फूड. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, कैन यू सी दैट देयर इज अनदर वन पर्सन हु इज कमिंग इनटू दैट स्पेस. ही इज मोनू. नाउ ही इज आल्सो नॉट हैविंग अ स्पेस. He is not having a space to live, and Chotu is seeing that this person has arrived. Now, in the last picture, you can see that they have created a shed for themselves. एक shed उन्होंने arrange की है, extend किया है इसी pipe के पास में, और ये उसने guest room बना लिया है यहाँ पे, and they are staying together. Now, किसने Chotu ने उसे क्यों invite किया होगा? Chotu ने उसे इसलिए invite किया होगा because he felt pity that Monu is not having a home. के पास घर नहीं है, रहने का स्थान नहीं है. तो लेट मी शेयर माय स्पेस विद हिम. इज द कॉमिक स्टोरी क्लियर टू यू चिल्ड्रन? होल्ड ऑन. मैम आई डोंट थिंक इट वाटर. इस लगाओ मुड़ का है. So is this comic story clear to you? Is this comic story clear to you? Okay, very good. Now children, can you see the questions? Is comic story ke niche kafi sare questions hai. We have to answer those questions. Now I want you all to write. Main chahti hu ki aap sare answers apne textbook mein likho. Theek hai? Sanvi, look at me. Are you attentive in the class? Say yes, madam. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Shorya, I can't see you. Shreyasi, camera ko thoda tilt and keep cool mein rakho. Now. Study the pictures carefully and answer the following. So, coming to the first question, what did Chotu think when he looked at the pipe? उसने पाइप को देखा होगा तो क्या एक होप जागी होगी उसके मन में कि ये पाइप तो स्पेशियस है और मैं तो छोटा सा हूँ तो मैं उसके अंदर जाके रह सकता हूँ. दिस पाइप
ये जो पाइप है मुझे सारे सीजन से बचा सकती है। जो अगर गर्मी का सीजन होगा उसमें भी प्रोटेक्ट करेगी, रेनी सीजन होगा उसमें भी प्रोटेक्ट करेगी। तो मैम ये लिखा है, सो राइट द आंसर चिल्ड्रन। छोटू मस्ट हैव थॉट। मैम ये लिखना है क्या? यस दिस यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन, प्लीज राइट द आंसर। छोटू मस्ट हैव थॉट, ही मस्ट हैव थॉट दैट दिस इज अ बेटर प्लेस टू लिव। दिस इज अ बेटर प्लेस टू लिव एंड दिस एंड ही मस्ट हैव थॉट दैट दिस this pipe can save him from rain, wind and तो उसने ये सोचा कि ये पाइप यूज करके वो रेन, हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड और कोल्ड इन सबसे बच सकता है। बेसिकली हम जिस भी रीजन की वजह से घर को बनाते हैं वो सारे रीजन की वजह से छोटू ने उस पाइप को चुना। एंड उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा, अगर उसे कोई बेटर ऑप्शन मिलता तो वो वहां पे जाता ही नहीं। How did Chotu use the pipe? Chotu तो छोटू ने पाइप को कैसे यूज किया और उसने क्या किया, उसका एक घर बना लिया। तो छोटू मेड अ पाइप आउट ऑफ, छोटू मेड अ हाउस आउट ऑफ द पाइप। छोटू इसके आगे क्या लिखा है? जिसके आगे पाइप है, PIPE। छोटू मेड अ हाउस यूजिंग द पाइप, यूजिंग द पाइप, यूजिंग द पाइप। थर्ड क्वेश्चन, इनटू व्हिच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। तो उसने पाइप को काफी सारे, जिस तरह से हमारे घर में बच्चे बहुत सारे रूम्स होते हैं एंड वी बाइफिकेट दोस रूम्स। हमारा सबसे पहले हम एंटर करते हैं घर में तो ड्राइंग रूम होता है, उसके एडजेसेंट में स्टडी रूम होगा, अंदर जाएंगे तो बाथरूम और वॉशरूम होगा, फिर और अंदर जाएंगे तो बेडरूम और किचन होगा। तो दिस इज द प्लान ऑफ माय हाउस। पाइप लिखा है बच्चे यहाँ पे, आप इस पिक्चर में देखोगे तो उसने क्या किया है, पाइप से घर बनाया है, पाइप से घर बनाया है। सो छोटू डिवाइडेड द पाइप, छोटू डिवाइडेड द पाइप, मैम व्हाट क्लियर नहीं दिख रहा। छोटू डिवाइडेड द पाइप into, Chotu divided the pipe into which part? मैम ये नोटबुक में लिखना है। मैम ये एग्जाम में भी आएगा। सिलेबस फॉर योर एग्जाम, द सिलेबस फॉर योर एग्जाम इज चैप्टर 1-4, ठीक है, चैप्टर 1-4। और कल भी मैंने रिविजन सेशन लिया था और उससे पहले भी एक रिविजन सेशन लिया था,
तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा दिए थे, प्लीज मैम, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए वो रिवाइज करवा दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए थे, राइट? सो इसलिए रिवीजन कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम मूविंग अहेड विद द सॉरी नाउ मैडम ही डिवाइडेड द पाइप into different parts, into... मैम इसको नोटबुक में लिखना है। बच्चे टीवी का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट बुक। मैम तो कौन कौन से एक्टिविटीज के लिए उसने डिवाइड किया था? फॉर स्लीपिंग मैम ही डिवाइडेड into different parts for sleeping, cooking, hold on please, एक मिनट रुक जाओ बच्चे बस, cooking, drying clothes, for drying clothes, storing water and for guests to sit, storing, storing water and for guests to sit. Ma'am, are you able to see children? Ma'am, ye. Bolo. Ma'am, ye paper mein bhi aayega? Nahi, exam mein nahi aayega aapke. Acha. Ma'am. Now, aap kya aap ye picture bahut clearly dekh sakte ho? Now, can you see this picture? If you see this picture, sorry. Yes, ma'am. If you see this picture, in this picture, in this fourth picture on page number 30, you can see कि उसने पूरे पाइप को किस तरह से डिवाइड किया है. उसने पूरे पाइप को किस तरह से डिवाइड किया है. एक मिनट बच्चे, can you see this picture? I want to explain. Can you see this picture? छोटू ने ये जो पाइप था उसमें डोरी लगाई, उसमें कपड़े सुखाने का एरिया किया, फिर देयर इज अ सम एरिया, देयर इज सम एरिया जहां पे वो ड्रम रख रहा है पानी स्टोर करने के लिए, फिर उसके सामने वाला जो एरिया है वहां पे वो कुकिंग कर रहा है, फिर उसके बाद में नाउ कमिंग टू दिस पिक्चर, कमिंग टू द लास्ट पिक्चर, कमिंग टू द लास्ट पिक्चर, वहां पे उसने शेड भी लगाया है, उसने शेड भी लगाया है फॉर द गेस्ट टू सिट. लिख लो अभी. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Oi, done, ma'am. Done, ma'am. Silent इनका हो गया है. Please थोड़ा silent maintain करो. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. अब आवे चलेगा. अब क्या जाएगी समझ में? जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो आप वो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो अभी. इफ देयर इज एनीवन हु हैज नॉट टेकन द नोट्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड कीप विद योरसेल्फ. आप बाद में अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चंस की नंबरिंग कर दी है. मैंने स्क्रीनशॉट आई हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द आंसर्स कैन बी रिटन बाय यू अकॉर्डिंगली इन योर नोटबुक सॉरी इन योर टेक्स्ट बुक. मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है. Okay, well, thank you. Welcome, ma'am. Now, coming to the next question. Ma'am, मैंने भी screenshot ले लिया है. Very good. Ma'am, मेरा नहीं हुआ. Okay, मैं ऐसे first question drop कर रही हूँ. मेरे birthday का sticker नहीं भेजा.
Done, ma'am. Hold on. Now, coming to the next question. In which part of this house will Chotu like to spend most of the time? So, बच्चों, please tell me, आपके घर के कौन से पार्ट में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखना. आपके घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं ना, ड्रॉइंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम. कौन से रूम में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो? प्रतीक सेज बेडरूम एंड स्टडी रूम. नो वन विल स्पीक मैम. नो वन विल स्पीक स्टडी रूम. ओके प्रेयसी, ड्रॉइंग मैम. ड्रॉइंग रूम मैम. ड्रॉइंग रूम, बालकनी एंड सिट आउट एरिया. वेरी गुड. बच्चे सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं ना, आप भी कमेंट में लिखो. आवाज नहीं करनी है क्लास में. दृश्या टीवी रूम, मोहित ड्रॉइंग रूम. ओके तो छोटू सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करता होगा? वो भी अपने ड्रॉइंग रूम में करता होगा. द एरिया दैट इज मेंट फॉर द एरिया विच इज मेंट फॉर द गेस्ट. क्योंकि पाइप के अंदर तो वो सोता है, तो वो उसका बेडरूम हो गया. मैम स्टडी रूम. ओके छोटू मैम टीवी रूम. छोटू likes to spend most of the time Choto likes to spend most of the time in the area meant for the guests. Coming to fifth question, why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? Kya reason raha hoga ki usne Monu ko invite kiya apne saath rehne ke liye? Why do you invite your friends at your place? Aap kab invite karte ho? Koi nahi bolega. Comment section mein likho. When do you invite your friends at your place? Jatin, maine bola na, comment mein likho. Aapko jo bhi answer dena hota hai, comment mein likhiye. इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होती है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. बच्चे मेरा माइक ऑन है और आवाज तो बाकी सारे बच्चों को आ रही है. तानवी, व्हेन डू यू इनवाइट योर फ्रेंड्स एट योर प्लेस? मैम मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है. एक्सक्यूज मी मैम, वो थर्ड वाला जो है वाटर एंड के नीचे क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, आप बता सकते हो? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम? थर्ड वाला जो है ना लास्ट. मैं समझ गई मैम. स्टोरिंग वाटर एंड गेस्ट टू सिट यानी ओके मेहमानों के लिए जो स्पेस होता है ना वो गेस्ट टू सिट. तो छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम बिकॉज मोनू, पहला रीजन मोनू के पास में कोई घर नहीं था. सेकंड रीजन ही नीडेड कंपनी ऑफ मोनू. So right, Chotu invited Monu. Chotu invited Monu to live with him. To live with him in the pipe for two reasons. Pipe. Because Monu does not have a place to live. Monu did not
have place to live and photo needed. Chotu needed Monu's company. Chotu needed Monu's company. Company का मतलब क्या होता है? जब आपके friends आपके birthday party में आते हैं, तो they are giving you a company. They are giving you a good. Sir, please, ma'am. Yes, please. बच्चे लिख लो. Done, ma'am. Ma'am, आपने जो बाद में नीचे का लिखा था वो मिटा दो. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay. पहले ऐसे नहीं होता था ना, अब होता था. Now please come to page number. Please come to page number 32. Please come to page number 32. There is a question, children. Who all live with you in your house? Who all live with you in your house? So कौन कौन रहता है आपके साथ आपके घर में? वहां पे काफी सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. यू हैव टू राइट इन द स्पेस गिवन टू यू इन द टेक्स्ट बुक. सो इन माय हाउस चिल्ड्रन करंटली, तो मैं अभी यहाँ पे अकेले रहती हूँ. आई हैव बीन गिवन अ क्वार्टर, मैं उसमें अकेले स्टे कर रही हूँ. कुछ टाइम पहले मेरी मॉम और मेरे ब्रदर मेरे साथ में रहने के लिए आए थे. आपके साथ आपकी पूरी फैमिली रहती होगी, जिसमें आपके फर्स्ट पर्सन द हेड ऑफ द फैमिली, फादर, मदर, फादर, मदर, ब्रदर. साइड प्लीज मैम. ब्रदर, फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर. हो सकता है अगर आपकी जॉइंट फैमिली आपके साथ में रह रही हो तो कजिन्स भी इंक्लूड हो सकते हैं. नहीं तो अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर. मैंने नोटबुक में लिखना है था मैम. साइड प्लीज. साइड हो गई बच्चे. मैम इसे क्लास बच्चे इसे टेक्स्ट बुक में लिखना है आपने. मैम मैम टेक्स्ट बुक में लिखना है क्या? हाँ बच्चे, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 32. देयर इज अ क्वेश्चन, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस? हु ऑल लिव इन योर हाउस, इसका मतलब है आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है?
मैम मेरे साथ तो मेरे बड़े भाई और मम्मी पापा ही रहते हैं, तो मैं क्या लिखूं? तो आप सुनिए, आप लिखना फादर एंड मदर, ओनली फादर एंड मदर। नहीं मैम, मतलब बिग ब्रदर भी लिखना है क्योंकि मेरे हैं। अगर आपके साथ आपके ब्रदर भी रह रहे, कोई नहीं, आप एक काम करो, आपके सारे लोगों का नाम लिखो। डन मैम। आप सारे लोगों का नाम लिख लो। ओके मैम। मैम जो दो लाइनें बच रही हैं उसमें क्या लिखना है? उसमें आप लिख सकते हो कजिन्स लिख सकते हो। मैम मेरे ताऊजी और ताईजी रहते हैं, तो मैं वो लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हो। आप लिखना अंकल एंड आंट। आप क्या लिखोगे? अंकल एंड आंट। प्लीज मैम। यस मेरे फादर मदर अंकल आंट कजन फादर और सिस्टर है। वेरी गुड प्रियांशी, आपने माइक अनम्यूट करके रखा हुआ है। ओके नाउ छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। तो चिल्ड्रन हमारा जो घर होता है उसमें भी तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, कि जैसे कि ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, फिर उसके बाद में किचन। तो उन्हीं सारे पार्ट्स अभी हमें लिखने हैं, वही सारे पार्ट्स हमें अभी लिखने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? So our house is divided into different parts. You can write this as an answer. Names of different parts of house are names. Please add this line in your textbook. Names of different parts of house are different parts of house are, सबसे पहले when you enter you have drawing room, यहाँ पे सारे guests बैठते हैं, there's a drawing room, फिर उसके बाद में आता है drawing room आ गया, we have study room जिसमें हम study करना पसंद करते हैं, then we have bedroom where we sleep, drawing room, study room, bedroom, toilet, bathroom, kitchen. There could be one more room in your house, which could be called, जो कि क्या है? Store room. इसमें हम सारे कबाड़ी का सामान रखते हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं या पुराने हो चुके हैं, उसमें सारे एंटीक्स आप स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम होता है स्टोर रूम, क्योंकि आप उसमें स्टोर करके रखना चाहते हो उसे। बेसिकली उस रूम को आप ज्यादा यूज नहीं करते, बंद करके रखते हो और उसमें सारी पुरानी चीजें रहेंगी या फिर जो चीजें खराब हो चुकी हैं या कभी बाद में यूज करना चाहते हो। डन मैम। मैम मेरे घर में स्टोर रूम है, तो मैं बालकनी लिख सकता हूँ? मैम यस, आपने स्टडी रूम के बाद क्या लिखा है? स्टोर रूम लिखा है बच्चे, स्टोर रूम। मैम ये किचन के पहले क्या लिखा है? किचन के पहले लिखा है बच्चे टॉयलेट। मैं स्टोर रूम की जगह बालकनी लिख सकता हूँ? हाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप बालकनी भी ऐड कर सकते हो।
जब मैं मुंबई में रहती थी अपनी फैमिली के साथ में बच्चे, तो वहां पे दो फैमिलीज को घर शेयर करना पड़ता था। और फिर उसके बाद क्या होता था, जो जो फैमिली शेयरिंग रूम में रह रही होती थी तो उनके पास में एक ही रूम होता था, एंड दोनों फैमिलीज एक कॉमन वॉशरूम यूज करती थी। तो जो बालकनी का एरिया होता था उसमें वी यूज टू मेक किचन एंड दिस थिंग स्टडी रूम। थैंक डन यू। मैम, डन ओके नाउ चिल्ड्रन वी आर डन फॉर मैम, टुडे। डन मैम, यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक। आई विल क्रिएट एन असाइनमेंट इन द गूगल क्लास। आई विल क्रिएट दिस एज एन असाइनमेंट इन योर गूगल क्लासरूम। सो प्लीज आप अपने घर का पिक्चर बना के वहां पे अपलोड कर देना। ओके मैम, मैम रूम रूम के के भी क्या? रूम के क्या? होल्ड ऑन होल्ड ऑन। डन ओके, डोंट शाउट, डू नॉट शाउट चिल्ड्रेन। मैम हमें मैम काम हो गया हो तो वो क्लास लीव कर सकता है। मैम जिसका आ गया वो क्या मीटिंग लेफ्ट कर सकता है? रुक जाओ, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस चिल्ड्रेन, हाउ कैन यू लीव द मीटिंग। Thank you, children. Have a great day ahead. Thank you for cooperating in the class and giving such beautiful answers. Keep on reading and do your homework. Okay? Thank you, children. Ma'am. Bye. 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 Bye